रविंद्र जडेजा का भी 100 होने वाला है, लेकिन आज आपको सरफराज खान भी देखने को मिल गया। सरफराज खान मजबूरी में टेस्ट डेब्यू हुआ, मजबूरी में इसलिए टेस्ट डेब्यू हुआ क्योंकि भाई राहुल जो है वो इस टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं थे, उनको कहा गया कि एक टेस्ट मैच और इंतजार करना पड़ेगा। तो मजबूरी में आज भारत ने दो डेब्यूज, एक डेब्यू मिला सरफराज को, एक विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को। रजत पाटीदार एक टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन आज जब 33-3 आउट हो गए तो हमें लगा गए, और इंडिया ने शायद उस वक्त रिस्क लिया, राहुल द्रविड़ ने बल्कि रिस्क नहीं लिया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, सरफराज एज बैट्समैन खेल रहे हैं लेकिन इनको रोक लेते हैं। जडेजा को उनसे ऊपर भेजा गया, जडेजा और रोहित की 200 की पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो अभी रोहित के आउट होने के बाद पिछले अब मान लीजिए तकरीबन एक घंटे से जो हमने क्रिकेट देखी है यार, वो ये इशारा करती है इस तरफ कि जो दीवार हम कहते हैं ना, जो दीवार होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, जिसके बारे में कहते हैं कि ट्रांजिशन करना ही तो सबसे मुश्किल बात है, अपने आप को बताना कि ये टेस्ट क्रिकेट भाई वैसी ही क्रिकेट है जैसी आमतौर पर होती है, वो सरफराज ने की है, आसान नहीं है। सरफराज भी इस बात को जानते थे कि जितने लोग उनको बैक कर रहे थे उससे ज़्यादा लोग थे जो उनको नीचे उतार रहे थे, भाई इतने रन, लेकिन इतने रनों के बावजूद कभी मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिला, सरफराज ने डेब्यू पर 50 बना दिए। खैर वो रनों की भूख तो बॉम्बे स्कूल ऑफ बैटिंग में दिखती है, लेकिन ये 50 उन्होंने क्विक टाइम में बनाए, उन्होंने सीधी लिफ्टें भी मारी हैं, उन्होंने स्वीपें भी मारी हैं, उन्होंने बैकफुट पर जाकर पंच भी मारा है, यानी कि वो क्रीज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कह रहे हैं यार जिस तरह से आप बॉल डालते हो ये तो मुझे ये कांगा लीग में रणजी ट्रॉफी में इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं, और आज आप उनको उसी तरह से खेल रहे हैं। तो लो जी 50 उनका हो चुका है आज, हालांकि अभी तकरीबन 1.25 घंटे का खेल बाकी है, पता नहीं अगर आज शाम तक वो आउट ना हुए तो फिर टेस्ट डेब्यू पर 100 वाली बात भी हो सकती है। वैसे भी आज दिन उनका ही है, क्योंकि आज सुबह जिस तरह उनको कैप मिली, उनके पिताजी नौशाद जो कि कल ही वहाँ पर पहुँचे, और नौशाद भाई इसलिए वहाँ पर गए क्योंकि वो जा तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई आपके बेटे का अगर टेस्ट डेब्यू हो रहा है, ज़िंदगी में इस तरह के मौके तो आते नहीं। वो कल शाम को फ्लाइट लेकर मुंबई से राजकोट पहुँचे, आज सुबह मैदान में थे, रो पड़े, आपने उनकी तस्वीरें भी देखी, उनका इंटरव्यू भी सुना, बड़ी मज़े की कहानी है, एक पिता की दोनों बच्चों को क्रिकेट खिलाई, सरफराज मुशीर, लेकिन आज सिर्फ पिता के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि सरफराज में टैलेंट है, ये सरफराज शायद धोखा नहीं देगा। हाँ हर पारी आज की पारी की तरह नहीं होगी, मुश्किल परिस्थितियां भी आएंगी, मुश्किल गेंदबाज भी आएंगे, सरफराज का इम्तिहान भी होगा, लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट यानी ग्रेट बॉल क्रिकेट में भारत फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है, और जूझने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे खिलाड़ी चाहिए चाहिए ना जो आगे आने वक्त वाले वक्त के लिए आप तैयार रखें। कितना हैरान करने वाली बात है कि सरफराज को इस बार आईपीएल ऑक्शन में किसी ने पिक नहीं किया, टेस्ट क्रिकेट तो दूर दूर तक उन्होंने सोची नहीं होगी, लेकिन ऊपर वाला मौका खोलता है और देखिए दरवाजा कैसा खुला। खैर वो फिलहाल 60 रन बना चुके हैं अपनी आराम से, जहां चाहें गेंदबाज को कह रहे हैं यहां टप्पा डालो, यहां मारूंगा, यहां डालो, वहां मारूंगा, और अगर वो 100 बनाते हैं बड़ा यादगार ये टेस्ट डेब्यू होगा। इससे पीछे भी जाएं, अय्यर ने डेब्यू पर 100 बनाया, यशस्वी जायसवाल ने 100 बनाया, उससे पहले पृथ्वी शॉ ने भी बनाया धवन, तो मतलब मैं मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के लड़के जो आते हैं वो पके हुए चावल की तरह आते हैं मुंबई से, और डेब्यू पर 100 कोई बड़ी बात नहीं है, बट सरफराज को देख कर ये तो लग रहा है कि इंडिया इस प्लेयर पर ध्यान रखेगा, पॉलिश नहीं हुए अभी, उनको अपनी गेम पर बड़ा काम करना है, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी उन्होंने दिखाई है वो है टेम्परामेंट, वही जो मैंने कहा दीवार, तो टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दरमियान जो एक दीवार होती है उसे फाड़ना आसान नहीं होता, आपके पास जैसी मर्जी गेम हो, वो जहनी तौर पर सरफराज ने उसको ब्रीच किया, द मोमेंट आप अपने आप को बता लेते हैं यार टेस्ट क्रिकेट तो मैं खेल सकता हूँ, इतनी मुश्किल नहीं है, तो फिर वही बॉलिंग जो आपको हवा लगता है वो आपको लगता है कि यार रोज़ इसी तरह की गेंदबाज तो खेलता था। खैर रोहित का 100 हो चुका है, होपफुली रविंद्र जडेजा का 100 भी होगा, और पता नहीं आज शाम सरफराज कहाँ होंगे, लेकिन 33-3 आउट से इस वक्त जो भारत जहाँ पर खड़ा है भाई, ये वेल एंड ट्रूली हिंदुस्तान का दिन। आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए प्लीज़, जैसे ही गेम का खेल खत्म होगा स्पोर्ट्स सबको सब्सक्राइब जरूर करें।